Assalamualaikum. तो यार लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जैसे पार्ट वन में हम लोगों ने डिस्कस की थी हमारी नाइन की फिजिक्स की ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स चार डिस्कस की थी हम लोगों ने, जिसमें हमारे पास थी मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो आज की वीडियो में जो होगी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे हमारी बाकी रिमेनिंग पांच ब्रांचेस जो है एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, बायोफिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स। तो यार बगैर किसी एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे हमारे पास यार एटॉमिक फिजिक्स है सबसे पहली ब्रांच, जिसमें जिसकी डेफिनेशन है यहाँ पे इट इज कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। यानी एटॉमिक फिजिक्स हमारे पास फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो कि मेनली डील करती है, मैं ये बात कहूँ कि जिसकी मेन प्रॉपर्टी है, उसका मेन फंक्शन क्या है कि वो हमें एटम से रिलेटेड जितनी हमारी स्टडीज होंगी, लेट्स से एन एटम के अंदर कितने टाइप के जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एटम के साइज का होता है, एटम का वेट क्या होता है, एटम कितने टाइम में मूव करता है, किस स्पीड से मूव करता है, किन चीजों के साथ रिएक्ट करता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है, क्या इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं, जब हम इनसे रिलेटेड एटम को पढ़ने जाते हैं या हम इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को जो है एटम के हम पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब हम डील कर रहे होते हैं हमारी एटॉमिक फिजिक्स के अंदर। क्लियर? तो एटॉमिक फिजिक्स यानी इस तरीके से हम लोग इसकी एग्जांपल लेते हैं कि यार लेट्स से हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एटम है, एटम अमूमन राउंड शेप में ही होता है, यही सपोज करते हैं हम लोग। एटम के यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं, जो कि है एक इलेक्ट्रॉन, देन प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तीन एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अब हम लोग अगर ये देखते हैं कि यार इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, सबसे पहली चीज कि इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, एटम का साइज क्या है, इसकी स्पीड क्या होती है या इसके मूव करने की, इसके पार्टिकल्स की, जो भी हम लोग कह सकते हैं, कितनी सारी चीज यहाँ पे निकल के आ सकते हैं कि एटम से रिलेटेड। इसका मास क्या होता है, मास सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका मास क्या होता है एटम का। क्लियर? तो कितनी सारी चीजें एक एटम से रिलेटेड। तो जब भी हम एक एटम को पढ़ने जा रहे होते हैं, हम एक एटम के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि यार एक एटम किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से इसके पार्टिकल्स वर्कअप कर रहे हैं फिजिक्स की टर्म के अंदर, फिजिक्स का इस्तेमाल करते हुए, तब हम लोग कर रहे होते हैं एटॉमिक फिजिक्स के अंदर डील। यानी एटॉमिक फिजिक्स की सिर्फ और सिर्फ इतनी सी मात्र डेफिनेशन है दैट इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज कंसर्न्ड और व्हिच इज कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, दैट्स इट। क्लियर? एक सिंगल सी डेफिनेशन है। तो आपको समझ आ गया होगा कि एटॉमिक फिजिक्स किस चीज में मेनली डील करी होती है। क्लियर? तो यार बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट ब्रांच की ओर। तो हमारे पास अगली ब्रांच है जो कि फिजिक्स की, वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। अब न्यूक्लियर फिजिक्स का लफ्ज सुनते ही आप लोगों को न्यूक्लियर फिजिक्स का क्या है कि ये यार किसी तरीके की ना हैवी लेवल की फिजिक्स होगी, इसमें क्या है कि बड़े अजीब लेवल के यानी वेपन्स वगैरह, न्यूक्लियर वेपन्स आप लोगों ने सुन रखे होंगे, एटॉमिक वेपन्स भी आप लोगों ने सुन रखे होंगे, तो आपके जहन में ये होगा कि न्यूक्लियर कुछ इसी तरीके की फिजिक्स होती है, तो मैं बताता चलूं, बिल्कुल नहीं। क्लियर? न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है, देखिए आप लोगों ने अभी एटॉमिक फिजिक्स को डिस्कस किया कि एटॉमिक फिजिक्स क्या होती है, विच इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, कि एक कंप्लीट एटम के अंदर जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर? अब न्यूक्लियस फिर न्यूक्लियर फिजिक्स हमारे पास क्या करती है, न्यूक्लियर फिजिक्स डील करती है न्यूक्लियाई ऑफ एटम। एक एटम के न्यूक्लियाई को जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, न्यूक्लियाई को हम कह सकते हैं कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, एक वो चीज जो एटम के अंदर पाई जाती है या एटम जिसकी वजह से कंसिस्ट होता है, एटम जिसकी वजह से जो है एग्जिस्ट होता है। क्लियर? वो हमारे पास न्यूक्लियाई होता है। कैसे? इसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, लिख रखी है यहां पर भी हमारे पास, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच इज कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम। यहां प्रॉपर्टीज मेंशन नहीं है, प्रॉपर्टीज भी होगा, एंड रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम, कि एक ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जो कि हमें क्या करती है, हमें अलाउ करती है या हमें उस चीज के ऊपर कैपेबल बनाती है कि हम पढ़ पाए किस चीज को, न्यूक्लियाई ऑफ फिजिक्स को, उसके स्ट्रक्चर्स को पढ़ पाए, किस तरीके से वो डेवलप होता है, किस तरीके से उसके जो है फंडामेंटल चीजें बनी होती हैं उसकी बॉडी की, किस तरीके से जो है उसकी शेप होती है, उसकी प्रॉपर्टीज कि यार वो किस तरीके से हीट अप होता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से ब्रेक होता है, किस तरीके से ज्वाइंट होता है, किस तरीके से जो है उसके रिएक्शंस को कॉपी हो रहे थे, किस तरीके से उसके जो रिएक्शंस है वो रिएक्ट कर रहा होता है बाकी एटम्स के साथ या बाकी न्यूक्लियस के साथ, उसकी प्रॉपर्टीज सारी, एंड रिएक्शंस ऑफ एटम कि यार वो कितने तरीकों से रिएक्शन कर सकता है, किस माध्यम से किसी और एटम के साथ, किसी और न्यूक्लिया के साथ रिएक्ट कर सकता है, रिएक्शन पर क्या प्रोड्यूस कर सकता है, किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकता है, किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकता है, जितने भी सवाल है हमारे, जितनी भी हमारी थ्योरी है न्यूक्लियाई ऑफ एटम से रिलेटेड, वो हमारी होती है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। क्लियर हो रहा है? न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? न्यूक्लियर फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज मेनली कंसर्न विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम, दैट्स इट। क्लियर? बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट ब्रांच की ओर जो कि है बायोफिजिक्स। ओके, तो यार यहाँ पे बायोफिजिक्स जो हमारे पास डेफिनेशन गिवन है बुक के अंदर, वो है इट इज कंसर्न विद एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल मेथड्स एंड एक्सप्लेनेशन टू बायोफिजिकल सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स। क्लियर?
यानी अगर हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, बायोफिजिक्स, बायोफिजिक्स एक तरीके से हम देखा जाए अगर नाम के हवाले से इसको पढ़ें, सबसे पहले तो दो ब्रांच यानी दो साइंस की जो ब्रांचेज हैं यहाँ पे मिक्स है, फर्स्टली बायोलॉजी, बायोलॉजी और सेकंड हमारे पास फिजिक्स, ये दोनों आपस में इस ब्रांच के अंदर जो है कंसर्न है, यानी एक साथ जो है वो जुड़ी हुई है हमारे पास, क्लियर, बायोलॉजी भी और फिजिक्स भी। तो लिखा हुआ क्या है यहाँ पे, कंसर्न विद एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल मेथड्स एंड एक्सप्लेनेशन टू बायोफिजिकल सिस्टम्स, यानी बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजिकल फील्ड के अंदर जितने आपके सिस्टम्स यूज हो रहे हैं, जितने आपके स्ट्रक्चर्स यूज हो रहे होते हैं, कितनी डिवाइसेज हैं आपके पास बायोलॉजी के अंदर, कितने ऐसे इक्विपमेंट्स हैं आपके पास बायोलॉजी के अंदर, कितने तरीके के रिएक्शंस हैं आपके बायोलॉजी के अंदर, कितने तमाम सिस्टम है पूरे बायोलॉजी का, जैसे फिजिक्स का एक पूरा सिस्टम है, यूनिवर्स के ऊपर फिजिक्स पूरी चल रही होती है, सिमिलर तरीके से एक बायोलॉजी का पूरा एक सिस्टम है। जब हम उस सिस्टम के ऊपर वर्कअप कर रहे होते हैं, हम उसके इक्विपमेंट्स के ऊपर वर्कअप कर रहे होते हैं, उसके मेथड्स को पढ़ने जा रहे होते हैं कि यार, एक एग्जांपल हम इस तरीके से लेते हैं कि एक बायोलॉजी इक्विपमेंट आपकी आई टेस्टिंग मशीन, एक ऑप्टिकल मशीन, एक ऑप्टिकल मशीन है आपकी आई टेस्टिंग मशीन, अमूमन वो बायोलॉजिकल सिस्टम है, वो बायोलॉजिकल डिवाइस है, लेकिन उसको पढ़ना कि यार उस डिवाइस में जो रेज इस्तेमाल हो रही थी, उस डिवाइस के अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है, दैट इज इंफ्रारेड रेज और सम विजन रेज, जो कि फिजिक्स का पार्ट है, तो इसमें आपकी फिजिक्स भी अप्लाई हो रही है, साथ ही साथ आपकी बायोलॉजी भी इंटरमिक्स हो रही है। तो ऐसे तमाम सिस्टम्स को पढ़ना, ऐसे तमाम मेथड्स को पढ़ना, ऐसे तमाम एप्लीकेशंस को पढ़ना जहां आपकी बायोलॉजी और फिजिक्स साथ मिलकर एग्जिस्टेंस में आ रही हो, वो तमाम ब्रांचेस जो है, वो तमाम चीजें जो है हमारे पास बायोफिजिक्स के अंदर कंडक्ट होती है, क्लियर। इसी की फील्ड से रिलेटेड आगे बायोमैकेनिकल इंजीनियर, बायोकेमिकल इंजीनियर, ये जो सारे आप देख रहे होते हो, काफी हद तक जो है वो इस फील्ड से रिलेटेड होते हैं हमारे पास, बायोफिजिक्स से रिलेटेड, क्लियर। यहाँ पे लिख रखा गया है, देखिए, कंसर्न विद एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल मेथड्स एंड एक्सप्लेनेशन टू बायोफिजिकल सिस्टम, सिंपल सी डेफिनेशन है। अमूमन बायोफिजिक्स की जो डेफिनेशन है वो पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस एक लाइन की डेफिनेशन को अच्छे से याद कीजिएगा, कीप इट इंपॉर्टेंट। हमारे पास यहाँ पे लास्ट ब्रांच है हमारी एस्ट्रोफिजिक्स, दैट इज जिसकी डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है हमारे पास, इट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फिजिक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, यानी एक ऐसी ब्रांच हमारे पास फिजिक्स की होती है जिसमें हम लोग डील कर रहे होते हैं टोटल एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के ऊपर। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज क्या होती है, आपने एस्ट्रोनॉमी का लफ्ज सुना है, व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी को कहा जाता है कि यार एक स्पेस रिसर्च है, यानी एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि टोटल स्पेस से रिलेटेड होता है कि स्पेस के अंदर कितने तरीके की बॉडीज हैं हमारे, कितने प्लैनेट्स हैं, कौन किससे कितना दूर है, किसका कितना मास है, कितनी उसकी डेंसिटी है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसके ऊपर एग्जिस्टेंस है कि नहीं, उसके ऊपर पानी है, यानी कितने सारे सवाल है हमारे पास एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड। एस्ट्रोनॉमी मतलब प्लैनेट की स्टडी होती है हमारे पास टोटल, क्लियर। तो जब हम डील कर रहे होते हैं किसी भी प्लैनेट की बॉडी को या गैलेक्सी की बॉडी को, एक एस्ट्रोनॉमी वो सब्जेक्ट होता है हमारे पास, और एस्ट्रोफिजिक्स के हमारे पास डील विद द स्टडी ऑफ फिजिक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, क्लियर, यानी उन तमाम बॉडीज से रिलेटेड कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जहां पर फिजिक्स का इंटरेक्शन हो रहा हो, जहां पर फिजिक्स का यूज हो रहा हो, जहां पर फिजिक्स का पता लग रहा हो कि हाँ यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से जो है फिजिक्स की कोई ब्रांच जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, उस जगह को पढ़ना या उस टॉपिक को पढ़ना हमारे पास क्या होता है, एस्ट्रोफिजिक्स होता है, क्लियर। आसान सी यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, क्लियर। यहाँ पर यार हमारी तकरीबन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स जो है वो कंप्लीट होती है। प्लाज्मा फिजिक्स यहाँ पर आप लोगों को नीचे जो पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा आपको इन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स का कंप्लीट, उसमें आपको प्लाज्मा फिजिक्स भी मिल जाएगी। साथ ही साथ यार हम लोग ये वीडियो हमारी वाइंड अप होती है यहीं पे, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स ही टॉपिक नंबर 1.2 था हमारा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे हमारा टॉपिक नंबर 1.3 यानी साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, हमारा टॉपिक नंबर 1.3 है, जो कि साइंटिफिक मेथड हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे क्या उसके स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से उसके ऑब्जर्वेशन थ्योरी आपको थीसिस ये वो सब। सबसे पहले ये वीडियो आपको शेयर करनी है और इसके कमेंट में आपको बताना है किसी तरीके का, अगर आपका मजीद सवाल रहते हैं, कुछ ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ आई, मैं उस कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ इस वीडियो को आप लोग शेयर करें और मुझे वीडियो के कमेंट में बताएं आपको वीडियो समझ आई है, इसके किसी तरीके पार्ट में अगर आपको कोई मसला हुआ हो या किसी भी तरीके से आपको जो है कोई दिक्कत पेश आई हो इस वीडियो के अंदर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कॉन्टेक्ट दे रखा है, अगर आप लोग पर्सनली मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं किसी भी एजुकेशन के हवाले से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्लियर। टिल देन अगली वीडियो का हमारे वेट करें जो कि प्लेलिस्ट की है और वो होगी साइंटिफिक मेथड के ऊपर, क्लियर। तब तक के लिए सी या बाय।